Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. माता रानी की कृपा से दोनों बहनों ने एक दूसरे को पहचान तो लिया ही था किंतु अपनी सीमाओं का ज्ञान भी था उन्हें। जैसे माता रानी ने हमें मिलाया है उसी प्रकार इसका उपाय उनके दरबार में जाने से ही मिलेगा। समय आने पर वो फिर चमत्कार करेंगी। बहन, माता तो बस अपने भक्तों की भक्ति की भूखी है। उनकी भक्ति करने से, सत्कर्म करने से ही तुम्हें यह मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वास है यदि तुम ये जीवन माता आदि शक्ति महामाई की भक्ति में लगा दो तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। उद्धार होगा तुम्हारा। मेरे जीवन में उद्धार तो तभी होगा जब मुझे संतान प्राप्त होगी। तो क्या माता मेरी गोद भर देंगी? माता रानी का हृदय तो सभी भक्तों से जुड़ा है रुक्मन। उनकी कृपा सभी भक्तों पर होती है। उन पर विश्वास रखो, तुम्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी। तुम्हें आपके समान माता की चौकी बिठाकर उनका जगराता करूंगी और अभी से उनकी भक्ति में डूब जाऊंगी। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा शेरा वालिदा। बोल साचे दरबार की जय। अपनी बहन से प्रेरणा पाकर रुको भी अपनी बहन के समान माता की भक्ति करने लगी। फिर माता रानी ने रुको पर कृपा करने में देर नहीं की। शीघ्र ही उसे पुत्र प्राप्त हुआ और इस प्रकार रुको के घर परिवार में प्रसन्नता का अंबार लग गया। अपने पौत्र का लालन पालन करने के लिए रुको की सासू माँ का स्वास्थ्य भी सुधर गया। वो सभी के आंखों का तारा बन गया था और समस्त परिवार के आनंद का कारण भी। किंतु जैसे दिन के बाद रात आती है वैसे ही सुख के बाद दुख भी आता है। रुको के परिवार के सुख पर भी आंच आ गई थी। उसका पुत्र चेचक से पीड़ित हुआ और उसका जीवन संकट में आ गया। माता रानी, ये पुत्र तो आपने ही दिया है मुझे। इसकी सुरक्षा तो आपको ही करनी है माता। कृपा करो माँ, कृपा करो। चिकित्सा के सभी उपाय व्यर्थ होने लगे। वैद्य आते और निराशा व्यक्त कर चले जाते। धीरे धीरे परिवार की चिंता बढ़ने लगी। रुको और उसके परिवार के धैर्य का बांध टूटने लगा। ये बालक ठीक नहीं हो सकता। कुछ करो, माता रानी की प्रार्थना करो। उनकी कृपा से तुम्हारी गोद भरी थी, उसी प्रकार फिर से गुहार करो। हमारे लड़का को कुछ नहीं होना चाहिए। माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझसे क्या भूल हुई है, उसे कैसे सुधारूं मैं? माता रानी तक अपनी प्रार्थना कैसे पहुंचाऊं? उन्हें कैसे प्रसन्न करूं? कहाँ जा रही हो पुत्री? माँ, उनके पास, जिनकी गुहार माँ अवश्य सुनेंगी। रुको रुको, सेविका, तुम्हें तो पिछली बार भी समझाया था, महारानी के बिना बुलाए, उनकी अनुमति के बिना उनके कक्ष में कोई नहीं जा सकता। मेरा जाना बहुत आवश्यक है, मेरा महारानी से भेंट करना अनिवार्य है। मुझे जाने दीजिए, मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। विचित्र बात है, मैंने जो कहा वो समझ में नहीं आया? तुम उनसे नहीं मिल सकती। ऐसा लगा जैसे रुको है बाहर।
उसी का स्वर था। महारानी के विश्राम में इस प्रकार असमय विघ्न डालना और उनका किसी भी सेविका से असमय भेंट करना दोनों ही राजभवन की मर्यादा के विरुद्ध है। मर्यादाओं का पालन करना ही हमारे राज्य का आधार है। मैं स्वयं किसी भी मूल्य पर उन्हें भंग नहीं करता। मेरी आपसे भी यही अपेक्षा है। मुझ पर दया कीजिए, एक बार महारानी से मिलने दीजिए। सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ यहाँ से। माता रानी, ये कैसी दुविधा है? मेरी बहन विपत्ति के समय मेरे द्वार पर आई है और मैं उसे भेंट भी नहीं कर सकती। अब आप ही कोई उपाय सुझाइए माता। महाराज, पवन का झोंका था, पात्र गिर गया। आप सो जाइए। मेरी चिंता तो आपने दूर कर दी माता। द्वारपाल, इस सेविका को भेजो, पात्र गिरकर टूट गया है। रुको रुको सेविका, महारानी को किसी सेविका की आवश्यकता है, तुम्हें बुला रही है वो। माता रानी, आपको अनेकों धन्यवाद। क्या हुआ है? मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? ऐसी सहायता चाहिए जो आप ही कर सकती हैं। वैद्य की औषधि तभी प्रभावी होंगी जब माता की कृपा होगी। अब वही मेरे पुत्र को बचा सकती है, किंतु पता नहीं मेरी ऐसी कौन सी भूल के कारण माता मेरी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दे रही है। माता ना कृपा करना भूलती हैं, ना उसमें देर करती हैं, किंतु हम भक्त उनकी कृपा पाकर उनको दिया वचन भूल जाते हैं। वचन तो मैंने भी जगराते का लिया था। तो मैं आपके समान माता की चौकी बिठाकर उनका जगराता करूंगी और अभी से उनकी भक्ति में डूब जाऊंगी। फिर ये कैसी भूल कर दी मैंने, माता के जागरण का संकल्प लेके भूल गई मैं। दंड की भागी तो मैं हूं ही। हे माता, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। भूल शम में होती है बहन, यदि व्यक्ति में उसे स्वीकार करने का साहस हो। तुमने अपनी भूल को स्वीकार किया है, माता रानी तुम्हें अवश्य माफ कर देगी। बस इस बार उनका जगराता करना मत भूलना। मैं जगराता करूंगी दीदी। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। धन्यवाद माँ, आपकी कृपा वर्षा के लिए अनेकों धन्यवाद। अब आपकी भक्ति में कोई भूल नहीं होने दूंगी मैं। कल भोर से ही आपके जगराते की व्यवस्था में लग जाऊंगी। कुछ भी हो जाए, मैं अब आपका जगराता करके ही रहूंगी। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता रानी की, जय माता की। माता ने दया की और सब कुशल हो गया। और इस बार रुको भी अपना वचन नहीं भूली। भोर होते ही वो जगराते के लिए पंडित जी ढूंढने निकल पड़ी, किंतु दुर्भाग्यवश उसकी निर्धनता को देखकर कोई पंडित उसके घर जगराता करने के लिए तैयार नहीं हुआ। और फिर उसकी एक पंडित से भेंट हुई। पंडित जी, सभी मेरा न्योता नकार रहे हैं, तो क्या असमर्थ निर्धन को भक्ति का, माता के जागरण करने का
कोई अधिकार नहीं। आप अगर मेरे घर नहीं आएंगे तो मेरे जैसे भक्त कहाँ जाएंगे पंडित जी? तुम्हारे शब्दों में मुझे माता के प्रति भक्ति भाव दिखाई देते हैं। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारे घर, मैं कराऊंगा पूजा तुम्हारे घर आके, किंतु पूजा के लिए जो सामग्री चाहिए वो पता है ना तुम्हें? मैं बनवाता हूँ सूची तुम्हारे लिए। तुम्हारे सामर्थ्य के अनुसार बनाऊंगा सूची। पूजा के लिए क्या चाहिए मुझे सब ज्ञात है। महारानी तारामती ने स्वयं मुझे सिखाया है और उन्होंने ही मुझसे कहा है मुझे माता रानी के जगराते में विलंब नहीं करना चाहिए। क्या क्या कहा महारानी ने स्वयं कहा ये तुमसे? हाँ पंडित जी। परिहास कर रही हो मेरे साथ? मैं महारानी तारामती की बहुत विशेष सेविका हूँ। मैं तुम्हारे घर आने के लिए तैयार हुआ और तुम मुझे ही मूर्ख बना रही हो, वो भी मनगढ़ंत बातें सुनाकर। तुम मेरी सहायता की पात्र नहीं। नहीं पंडित जी, मैं सत्य कह रही हूँ, आप मेरा निमंत्रण मत ठुकराइए। माता रानी की भक्त होने के नाते उनके जगराते को मना मत कीजिए। कृपा कीजिए पंडित जी। जगराते के लिए मना तो नहीं कर सकता, किंतु मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हारे घर तभी आऊंगा जब स्वयं महारानी तारामती तुम्हारे घर आके तुम्हारे जगराते में भाग लेंगी। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? महारानी ने यह सुझाव स्वयं दिया था ना, फिर तो वो अवश्य आएंगी। यदि वो आती है तो मैं भी आऊंगा। उन्होंने तुम्हें वचन दिया था, मैं भी तुम्हें वचन देता हूँ। सुन लिया ना? जाओ, जाकर उनसे वचन ले लो। जाओ। रुको, तुम्हारा पुत्र तो अस्वस्थ है, तो फिर तुम कार्य पर क्यों आए? आप लोग जाइए, दूसरा कार्य कीजिए। उसकी देखभाल करने के लिए घर पर ही रुकना चाहिए था ना तुम्हें बहन? माता रानी की असीम कृपा है दीदी, चमत्कार हो गया। कल रात घर लौटने से पहले ही वो स्वस्थ हो गया। किंतु किंतु क्या बहन, अब किस बात की चिंता है तुम्हें बहन? माता रानी की कृपा से तुम्हारा पुत्र तो स्वस्थ हो गया ना? नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं है दीदी। स्पष्ट कहो, क्या छुपा रही हो मुझसे? कुछ कहोगी तभी तो मैं कुछ कर सकूंगी बहन। मैं माता रानी का जगराता कैसे कराऊं दीदी? नगर का कोई पंडित हमारे घर जगराता नहीं कराना चाहता। दर दर भटकने पर इस निर्धन का न्योता स्वीकार करने वाले एक पंडित मिले हैं, किंतु उनकी भी एक शर्त है। वो मैं वचन देती हूँ। नहीं दीदी, वो पंडित जो चाहते हैं वो राज परिवार की मर्यादा के विरुद्ध है। क्यों, ऐसा क्या मांगा पंडित जी ने? वो मेरे घर आकर जगराता तभी करेंगे जब आप भी भाग लेना स्वीकार करेंगे। आप चिंता मत कीजिए दीदी, मैं आपकी राजकीय मर्यादा भंग नहीं होने देना चाहती। आप मुझे दिया हुआ वचन
लौटा सकती हैं। मर्यादाओं का पालन करना ही हमारे राज्य का आधार है। मैं स्वयं किसी भी मूल्य पर उन्हें भंग नहीं करता। मैं वचन देती हूँ, मैं सभी मर्यादाओं को समझूंगी भी और उनका आदर कर उनका पालन भी करूंगी। मैं वचन देती हूँ, उनकी जो भी शर्त है उसे पूर्ण करने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मैं आपको किसी धर्म संकट में नहीं डालूंगी। मैं जगराते के लिए किसी अन्य पंडित को ढूंढ लूंगी। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। माता के जगराते में मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगी। दीदी, माता रानी का कोई भी सच्चा भक्त माता रानी के जगराते में जाने से मना कैसे कर सकता है? मैं वचन देती हूँ, मैं आऊंगी तो अब वो तुम्हारे न्योते को भी नहीं नकार सकते। जाओ बहन, खड़ी मत रहो, जाओ। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। हे माँ, आशा करती हूँ अब पंडित जी मना नहीं कर सकेंगे। मैं अपना वचन पूर्ण कर सकूँ ऐसी शक्ति देना माँ। हे माता रानी, मैं इस राज्य की मर्यादा अवश्य भंग करने वाली हूँ, किंतु एक भक्त की आस कदापि भंग नहीं होने पाए माँ। भगवान भक्ति का फल अवश्य देते हैं, किंतु भक्ति में संकल्प और निष्ठा आवश्यक है।